Do not watch Berserk. Just read it. हेलो गाइस, पांचवा वीडियो लगातार, करोड़ साल से जो बर्ज़र्क रिव्यू डिले कर रहा था मैं, फाइनली ये रहा बर्ज़र्क रिव्यू। बर्ज़र्क को ख़त्म किए मुझे 3-4 महीने हो गए होंगे एंड मैं इस वीडियो में अपना एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला है। मुझे बर्ज़र्क कैसा लगा, क्या अच्छी चीज़ें लगी मुझे बर्ज़र्क के बारे में, क्या बुरी चीज़ें लगी है, सब बताएगा मैं। स्पॉयलर फ्री वीडियो होने वाला है तो चिल, अगर बर्ज़र्क रीड कर रखा है तो शायद बहुत रिलेट कर पाओगे और अगर नहीं तो शायद ये वीडियो देख के तुम भी स्टार्ट कर ही दोगे। करें चलो अब मेन बातें, लेट्स बिगिन। पहले तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं। बर्ज़र्क एक मांगा है जो कि 1989 से चल रहा है और करीब एक साल पहले ही रुक गया था बिकॉज इसके मांगा का की डेथ हो गई थी मई 2021 में, केंतारो मियुरा सर की। अभी कोई तो मियुरा का फ्रेंड शायद इसको कंटिन्यू कर रहा है। बर्ज़र्क में टोटल 40 वॉल्यूम्स है एट प्रेजेंट विथ 11-12 चैप्टर्स इन ईच वॉल्यूम। बर्ज़र्क इज़ अ सेनिन मांगा, मतलब कि 18+ ऑडियंस के लिए मांगा है एंड ये बहुत फेमस मांगा है। माई एनिमे लिस्ट में ये नंबर 1 मांगा है, जो जो स्टील बॉल रन और वन पीस से भी ऊपर है ये। एंड बर्ज़र्क को बहुत लोग बेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं। एक छोटा सा स्पॉयलर फ्री सिनोप्सिस भी बता देता हूँ मैं। तो बर्ज़र्क मांगा इसके मेन कैरेक्टर के जर्नी को दिखाती है जिसका नाम है गट्स। अब गट्स के 2 मेन गोल्स हैं और इन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए वो दुनिया भर के हरकतें करता है। क्या गोल्स है ये तुम रीड करना चालू करोगे तो अर्ली स्टेज में तुम्हें पता चल जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि बर्ज़र्क को बहुत लोग बेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं, तो ऐसा क्या है इसमें जो इतने लोग इसको बेस्ट बोलते हैं? मैं तो इसको बेस्ट नहीं बोलता, आफ्टर ऑल ये मेरा सेकंड फेवरेट मांगा है, बट मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि लोग इसको क्यों बेस्ट बोलते हैं। बर्ज़र्क ये मांगा एक ऐसा मांगा है जिसमें तुमको हर चीज़ मिलेगा। ज़बरदस्त आर्ट स्टाइल, ज़बरदस्त प्लॉट, ज़बरदस्त कैरेक्टर्स, उनका बहुत ज़्यादा मस्त राइटिंग, एक बैड एस ब्रोकन मेन कैरेक्टर, एक हद गुस्सा दिलाने वाला विलन, एक बहुत प्यारा लव स्टोरी, बहुत डार्क इवेंट्स, गोर, सेक्स, बैड एस पावर अप्स, बहुत प्यारा और डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग, माइंड गेम्स, मल्टीपल माइथोलॉजीज एंड हिस्ट्री का रेफरेंस। एक्चुअल मिडिवल पीरियड पर बेस्ड है बर्ज़र्क। एंड बाय मिडिवल पीरियड मैं एक्चुअल वाले मिडिवल पीरियड की बात कर रहा, जब वॉर्स होते थे, स्लेव्स बनाए जाते थे, औरतों को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था। बर्ज़र्क एक्चुअली में मिडिवल पीरियड को जैसा वो था वैसा दिखाता है। फोर्स्ड इंसेस्ट और पीडोफिलिया जैसी चीज़ों को भी बर्ज़र्क छुपाता नहीं है दिखाने से, एंड यही चीज़ की वजह से कि बर्ज़र्क हेजिटेट नहीं करता अपने क्रूल वर्ल्ड को दिखाने में। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों बर्ज़र्क को बेस्ट मांगा माना जाता है। अब जो लोगों ने बर्ज़र्क नहीं रीड करके रखा है उनमें से बहुत लोगों को ना ये लगता है कि बर्ज़र्क बहुत गंदा मांगा है, गंदी चीज़ें दिखाता है, गंदी चीज़ें सिखाता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बर्ज़र्क क्रूल वर्ल्ड को दिखाने में हेजिटेट नहीं करता बिल्कुल भी, एंड इसको रीड करते टाइम कुछ लोग डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, बट बर्ज़र्क किसी भी क्रूल हरकत को जस्टिफाई नहीं करता कि हाँ भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। गट्स द मेन कैरेक्टर ऑफ बर्ज़र्क, वन ऑफ दी बेस्ट मांगा या एनिमे कैरेक्टर जिसे मैंने आज तक देखा है। ये बंदा इतना बैडस है, क्रूल है, हार्श है, केयरिंग है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से बर्ज़र्क का ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एंड जितने भी मैंने आज तक कैरेक्टर्स देखे हैं उसमें से ये सेकेंड फेवरेट है आफ्टर लूफी, वो है इसका ट्रॉमेटिक लाइफ। गर्ट्स का कैरेक्टर राइटिंग इतना प्यारा है ना कि तुम एक पॉइंट पर ऐसा सोचने लगोगे कि भाई एक बंदे के साथ इतना भी गलत कैसे हो सकता है। गर्ट्स का लाइफ बहुत पथेटिक रहा है, इतना कि उसके डिस्टर्बिंग मेमोरीज ने उसके हैप्पी मेमोरीज को ओवरशैडो कर दिया है। लेजिट इस बंदे को इतना रेयरली तुम खुश होते हुए देखोगे ना, द मोमेंट ये थोड़ा सा भी खुश हुआ कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये कभी भूल नहीं पाएगा उसको। अपने एक गोल को अचीव करने के बाद भी गट्स को उससे तकलीफ ही होता है भाई, बताओ, मतलब भाई बहुत बहुत भाई ट्रॉमेटिक लाइफ जी रहा है बंदा। गट्स का बचपन दुनिया भर के ट्रॉमा से भरा हुआ, गट्स का टीनेज लाइफ दुनिया भर के ट्रॉमा से भरा हुआ, एंड उसका एडल्ट लाइफ दुनिया भर के ट्रॉमा से भरा हुआ, एंड जिस वे में ये बंदा उस ट्रॉमा को फेस करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्ट करने की कोशिश करता है, डैम भाई दिल खुश हो जाएगा। गट्स एक जेंटलमैन, एक वॉरियर और एक ब्रोकन हीरो का मिक्स कैरेक्टर है। मैंने आज तक जितने भी मेन कैरेक्टर देखे हैं ना,
उनमें से फेवरेट तो नहीं, क्योंकि फेवरेट तो मेरा लूफी है, बट सबसे ज़बरदस्त मेन कैरेक्टर गट्स ही है भाई। लूफी फेवरेट है मेरा, बट गट्स इज़ फार बेटर देन हिम एज अ कैरेक्टर। बर्ज़र्क का विलन भी वैसे काफ़ी अच्छा विलन है, बट उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में खुद से जानो। एक और जो रीज़न है कि क्यों लोग बर्ज़र्क को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो है गोर। बर्ज़र्क में इतना ज़्यादा काटा पीटी है ना भाई, मस्त आर्ट स्टाइल की वजह से इतना रियलिस्टिक है ना इसका गोर। मैंने एक भी सेंसर्ड गोर सीन नहीं देखा है बर्ज़र्क में। हर चीज़ को एकदम खुलेआम ड्रॉ किया है मियोरा ने, एंड इस लेवल के गोर को इस लेवल के आर्ट स्टाइल में देख के आँखों को जो सुकून मिलता है भाई, इश। एक न्यूबी मांगा रीडर को भी एक बार तो एटलीस्ट बर्ज़र्क के गोर वाले पैनल्स को देखना ही चाहिए, मज़ेदार लगेगा तुम्हें बहुत। बर्ज़र्क में वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत अच्छा है, फिजिकल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट मस्त है। इसके अलावा माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्री जो भी तुम मानते हो उसको भी बहुत अच्छे वे में यूज़ किया गया है बर्ज़र्क में। मिडिवल एज में जिसमें में क्रिश्चियनिटी फैल रहा था उस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इसमें, प्लस डीमंस ट्रॉल्स और दुनिया भर के फिक्शनल चीज़ें भी देखने को मिलती हैं इसमें। इंडियन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी के भी बहुत रेफरेंस है, हालांकि कुछ कुछ शायद वो थोड़ा ऑफेंड कर सकता है क्योंकि ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक इंडियंस से इंस्पायर्ड लोगों को विलेनियस वे में दिखाया गया है, बट बहुत कोई एकदम भी गंदा दलिद्र जैसे नहीं दिखाया गया इसमें, और किसी भी गॉड का डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया गया इसमें, मतलब इंडियन गॉड्स का फिर कोई भी गॉड्स का। इनफैक्ट जिन पैनल्स में इंडियन गॉड्स की मूर्ति एंड इंडियन कल्चर को दिखाया गया वो बहुत सुंदर दिखता है, तो आई एम डैम श्योर कि तुम्हें वो देखते टाइम अच्छा लगेगा, बट सिर्फ कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, तो एक बार तुम इंटरनेट में बर्ज़र्क इंडियन रेफरेंस करके सर्च कर लेना। अगर बुरा नहीं लगा देख के तो रीड कर लेना, और अगर लगा तो तुम्हारी मर्जी। प्लॉट बहुत अच्छा है बर्ज़र्क का। एक चीज़ जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था वो एक्सपीरियंस किया है मैंने इसमें। स्पॉइलर नहीं देने वाला, ठीक है मैं। तो बर्ज़र्क का जो बेस्ट आर्क है ना, द गोल्डन एज आर्क, वो आर्क के स्टार्टिंग में ही ना तुम्हें उस आर्क में क्या होने वाला है पता होगा, मतलब कि 70-80% रिजल्ट क्या होने वाला है उस आर्क का तुम्हें पहले से ही पता होगा, क्योंकि वो एक फ्लैशबैक वाला टाइप का आर्क है, फिर भी तुम्हें वो आर्क मस्त लगेगा। ये बहुत अजीब था मेरे लिए, लाइक मैक्सिमम चीज़ें पता थी मुझे और बहुत चीज़ें मैं खुद से गेस भी कर लिया था, बट स्टिल जो लगता है ना ये आर्क भाई एकदम ज़बरदस्त। बर्ज़र्क में बीच बीच में कॉमेडी भी दिख जाएगा, गट्स और उसकी टोली हरकतें करते हुए दिख जाएंगे, मतलब उसमें गट्स तो कुछ नहीं करता, वो शांति से बैठा अपनी टोली के लोगों को सुनता और उनको बचाते रहता है। इसी तरह जैसे हरामखोर बच्चे बीच बीच में हंसी दिला देंगे तुम्हें। बताने के लिए अच्छी चीज़ें तो और भी है, बट वो तुम खुद एक्सपीरियंस करना वरना स्पॉइलर हो जाएगा। अब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि नो डाउट बर्ज़र्क वन ऑफ द बेस्ट मांगा है, बट ये भी एक परफेक्ट मांगा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें भी। एक जो बहुत बड़ा दिक्कत है बर्ज़र्क का वो ये है कि ये अचानक से बीच में जो बहुत बोरिंग हो जाता है। 5 आर्क है बर्ज़र्क में, 5वां भी चल रहा है, 3rd, 4th, 5th ये आर्क्स के जो स्टार्टिंग के वॉल्यूम्स है ना वो बहुत बोरिंग है, स्लो नहीं है बट बोरिंग है, तुम्हारा ड्रॉप करने का मन कर जाएगा इतना ज़्यादा बोरिंग है इन आर्क्स के स्टार्टिंग के वॉल्यूम्स। एक दो चैप्टर बोरिंग होता ना तो चल जाता, बट दो दो तीन तीन वॉल्यूम्स भाई, 20-30 चैप्टर लगातार जब बोर करते ना तब मन करते था छोड़ देने का, बट हर आर्क्स की एंडिंग इतनी मस्त है कि ये बोरिंग वाले वॉल्यूम्स सहना वर्थ हो जाता है, एंड सीन्स ये वॉल्यूम्स आर्क को बिल्ड करती है तो ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इसलिए इनकी वजह से पूरे मांगा को ड्रॉप मत कर देना और इनको छोड़ना भी मत, इग्नोर मत कर देना भाई। बहुत लोग ऐसे स्काइप है वो कर देते हैं, कैसे तैसे करके ख़त्म कर ही देना, ठीक है। एक और जो दिक्कत है बर्ज़र्क का वो है इसका गोर। यस, अब गोर है तो बहुत अच्छा, बहुत सेक्स पैनल्स है, बट इतना ज़्यादा गोर है ना बर्ज़र्क में कि एक पॉइंट पे जाके वो तुम्हें एस्टोनिशिंग लगना बंद हो जाएगा और वो फिर बहुत नॉर्मल हो जाता है, लाइक ठीक है ना। एक्साइटमेंट जो स्टार्टिंग में तुम्हें गोर सीन्स को देख के आएगी ना वो फिर नहीं रहेगा, क्वांटिटी गोर सीन्स का कुछ ज़्यादा ही है बर्ज़र्क में। और एक जो दिक्कत लगा मुझे वो ये है कि मेन कैरेक्टर और मेन एंटैगनिस्ट के अलावा बाकी कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट कोई बहुत खास नहीं है। वेल एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा मांगा मेन कैरेक्टर और एंटैगनिस्ट के अराउंड ही घूमती है, बट स्टिल भाई फर्नीज़ और स्केरिक जैसे अगर बाकियों को भी थोड़ा अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट देते मियोरा तो मज़ा आ जाता, बट क्योंकि बर्ज़र्क पूरा फिनिश नहीं हुआ है वी कांट से कि मियोरा हमेशा के लिए ही ऐसे ही रखते, मे बी वो साइड कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए फैंटेसी आर्क या फिर अपकमिंग आर्क्स में कुछ हरकतें दिखाते, बट सैडली हम उन्हें खुद से ये करते हुए नहीं देख पाएंगे अब। एंड लास्ट जो दिक्कत है बर्ज़र्क का वो ये है कि बर्ज़र्क बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है, लाइक रीज़न पता है मुझे, एक तो इतना डिटेल चैप्टर बनाने में टाइम लगता है, प्लस मियोरा का तबीयत भी पास्ट में बहुत ख़राब हुआ है इसलिए डिले हो जाता था।
वैसे ये सारे प्रॉब्लम्स को तुम इजीली इग्नोर कर सकते हो, बट मैं एक क्रिटिक है तो मुझे ये प्रॉब्लम्स दिखी बर्ज़क में। एंड हाँ, बहुत लोग बर्ज़क को हद डिस्टर्बिंग बोलते हैं। गट्स के लिए बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें होती है बर्ज़क में, डेफिनेटली, बट एज ए रीडर मुझे तो कुछ डिस्टर्बिंग नहीं लगा। बहुत लोग को शायद लग सकता है बट मुझे नहीं लगा। तो मुझे जब किसी ने बोला था ना कि बर्ज़क हद डिस्टर्बिंग है, रीड करने के बाद आई वॉज लाइक कि चूतिया ज़बरदस्ती का एग्जैजरेट कर रहा था। ये प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बता दिया बस ऐसे ही कि हद डिस्टर्बिंग सोच के भी मत देखना, वरना मत रीड करना, वरना थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि बर्ज़क सैक्स मांगा है, रीड कर लो जल्दी जल्दी। बट एक टिप देना चाहूँगा मैं कि इसको बीच में छोड़ मत देना। बहुत लोग रहते हैं ना कि 40 वॉल्यूम देख के सोचते हैं कि भाई 20-25 अभी देख लेता हूँ, बाकी बाद में देख लूँगा गैप लेके। नहीं, ऐसे मैंने किया था, मतलब मैंने ऐसे करके ही अपना फैल्कन मिलियनल वाला आर्क का एक्सपीरियंस बर्बाद किया था। एक हफ्ते का ब्रेक लेके रीड किया था मैं उसको, और पूरा हगा हुआ आर्क लग रहा था फिर वो मुझे। लाइक ये गलती मत करना, और अकेले में रीड करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि शक्तिमान बन के मम्मी बहन के सामने रीड कर रहे। गलती से उन्हें गलत पेज दिख गया ना तो सूट देंगे तुम्हें। तो जाओ ताकि इन्जॉय करो बर्ज़क को। और हाँ, इसके कलर्ड चैप्टर्स मत खोजने बैठना। सेनिन जॉनरा के मांगास कलर्ड में बहुत सुअर दिखते हैं। ब्लैक एंड वाइट फॉर्म बेस्ट है, ठीक है? तो उसी में देखना। कहाँ से रीड करना है? तो ताचियोमी में मांगा रीडर का एक्सटेंशन डाउनलोड करके तुम रीड कर सकते हो। हाई क्वालिटी एंड एक्यूरेट ट्रांसलेशन के साथ तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा बर्ज़क। एंड चलो, मैं चलता है वेगाबॉन्ड का रिव्यू बनाने। तो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी। तो बाय बाय। Thank you.